सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की समुद्री तट से टकरा चुका है। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवाती तूफान रेमल के असर की वजह से तेज बारिश भी हो रही है, जिससे घरों और खेतों में पानी भर गया है। रेमल ने कमजोर घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए। आईएमडी के अनुसार चक्रवात रेमल कुछ और समय तक लगभग उत्तर और फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता रहेगा और आज सुबह तक धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। एनडीआरएफ की तरफ से यहां लोगों को चेतावनी भी दी जा रही है। काफी समुन्दर फाफा है, पानी इतना दूर आ गया। कल बाटस भी बहुत कुछ बाटस हुआ और इधर का मौसम तो खूब मौसम बिगड़ गया, लेकिन बारिश ज़्यादा ही हो रहा था और बतास आ रहा था। पानी तो थोड़ा अभी भी समुंदर पानी बहुत दूर आ गया, ठीक है। और इधर मैं डर के था, कोई आदमी इस ग्राम डर के था जब पानी अब आएगा क्या हुआ क्या होगा, लेकिन हम इधर से सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बस यही कहना चाहता हूँ। और हाँ, अभी भी हवा चल रहा है, मौसम वो खुना है और इस मौसम में तो कभी भी होता है बारिश, तो इसलिए हम सेफ्टी रहना तो जरूरी है और लोग को बोलूँगा सेफ्टी रहोगे और यही बात है। जो भी बाहर निकलोगे कुछ सामान इमरजेंसी है तो वो भी निकलना है, नहीं तो कुछ भी आने का बाहर मत जाइए, अभी भी मौसम बिगड़ना है। अभी सुबह 4 बजे से अभी तक वाले नींद नहीं आए, ठीक है, हम लोग जागते ही रह गए। अभी भी वाले हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी कटे नहीं है। आने वाला जुआर जो आएगा, टाइट जो आएगा, उसके बाद में वाले कुछ कह सकेंगे। सेफ्टी रहना चाहिए हम लोगों को। और कल भी बहुत ज़्यादा तेज हवा, हाँ तेज हवा हुए थे, वाले बारिश भी बहुत जोर आए थे, ठीक है ना। कभी भी और भी वाले आ सकता है, अभी भी बारिश हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि बारिश चल गया, कि वाले अभी भी है, हो सकता है। तो यहाँ में तो सभी लोग तो सेफ है, अभी भी सेफ है, कि वाले कुछ भी हो सकता है। और आपका जो बीच है, आगे जो बीच होगा, कि वाले आप उधर जाइएगा तो देख सकेंगे। दुकान भुकान सब लोग छोड़ के चला गया, जितना भी सामान फामान है, कि वाले सेफ जगह कर दिए वो लोग। अभी भी दो चार दिन और लग जाएंगे खुलने में। तो आप लोग भी अलर्ट में हैं? हाँ, हम लोग अलर्ट में हैं। लोगों को सावधान किया जा रहा है कि अभी भी रेमल थमा नहीं है। इस तूफान के आने से पहले हुई तेज बारिश ने खूब तबाही मचाई है। कोलकाता की सड़कों पर भी पानी भर गया है, आम जनता परेशान है। बहुत बुरा हो रहा है, हम लोग ड्यूटी आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। मार्केट उर्केट भी बहुत आजकल मंदा चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मौसम का बहुत बुरा हाल है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।